हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी और नेट जेआरएफ से संबंधित 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बाल हत्या एवं स्वजाति भक्षपातवाद निम्न में से यह किसे दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता, जातीयता, सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक चयन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट, सांस्कृतिक सापेक्षता को दर्शाता है। बाल हत्या एवं स्वजाति भक्षपातवाद सांस्कृतिक सापेक्षता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स द्वारा निम्नांकित प्रकार्यात्मक समस्याओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है सात्मीकरण, आंतरिक लक्ष्य प्राप्ति, आत्मसात करना। इसमें कोट दिया गया है, फर्स्ट है, फर्स्ट में 1 2 3 4, सेकंड में 4 3 4 2 1 3, थर्ड में 4 3 1 2, फोर्थ में 3 2 1 4। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3, 4 3 1 2। सबसे पहले आत्मसात करना आएगा, फिर लक्ष्य प्राप्ति, उसके बाद सात्मीकरण, फिर आंतरिक। पार्सन्स के इस अवधारणा को एजिल मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में बढ़ते तलाक के कारण कौन है? ऑप्शन है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन, देश की विलासिता, विवाहित जोड़ों की अपरिपक्वता, अशिक्षा। तो इसका ऑप्शन है महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन भारत में बढ़ते तलाक का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? जादू, पूर्वज पूजा, आत्मवाद, सामाजिक नियंत्रण। तो धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीयता और नस्लीय मध्य वाद का एक प्रकार है, जातीयता और नस्लीय मध्यवाद का एक प्रकार है जो एक समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता की भावना पर आधारित है? सामाजिक एवं आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जैविक देन, तांत्रिकी विकास। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 2, सांस्कृतिक विकास। जातीयता और नस्लीय मध्यवाद एक प्रकार है जो समूह की निम्न में से किसकी श्रेष्ठता, सांस्कृतिक विकास की श्रेष्ठता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व मर्टन के विचलन में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है अलगाव, आविष्कार, विधिवाद, रिट्रीटिज्म। तो इसका ऑप्शन है अलगाव। अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने दी थी। इसको एलिनेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में संस्कृति निम्न में से किसको दर्शाती है? अच्छे तौर तरीके, साक्षरता एवं सौंदर्य संवेदना, सभ्य व्यवहार, किसी समुदाय में रहने का ढंग। तो समाजशास्त्र में संस्कृति किसी समुदाय में रहने के ढंग को दर्शाती है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसायों, मान सम्मान, जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन के संबंध में सामाजिक पदवी में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? ऑप्शन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति, पुनर्निर्माण।
तो इसका ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, ऑप्शन टू। व्यवसायों मान सम्मान जाति श्रेणी एवं शक्ति में हुए परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? अर्थव्यवस्था, राजनीति, परिवार, सामाजिक स्तरीकरण। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन टू, सामाजिक स्तरीकरण। ये समाज की कोई संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में मूल्य का क्या अर्थ है? सुसंस्कृत व्यक्ति के गुण, आचरण के मानदंड, सामाजिक वरीयता, आदर्श। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन थ्री, सामाजिक वरीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक किसने लिखी है? हर्बर्ट स्पेंसर, किंग्सले डेविस, बी मेलिनोवस्की, जेम्स फ्रेजर। तो फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता सिद्धांत नीड थ्योरी निम्न में से किसकी देन है? ऑप्शन है दुर्खीम, हर्बर्ट मीड, मेलिनोवस्की, कार्ल मैनहीम। तो इसका आंसर है बी मेलिनोवस्की, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार करिश्माई नेता की निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? समाज के लिए उसकी शक्तियों की महत्ता, व्यक्तिगत आकर्षण, राजनीतिक अनुयायी, अपने अनुयायियों को अपने विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर, अपने अनुयायियों को अपनी विशेष शक्तियों से प्रभावित करने की योग्यता। ये वेबर ने एक करिश्माई नेता के गुण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संपूर्ण संस्था के कौन से तत्व हैं? कारागार, संरक्षण गृह, होटल, छात्रावास। इसमें कोट दिया गया है, फर्स्ट में एक और तीन, सेकंड में एक दो और तीन, थर्ड में एक और दो, फोर्थ में दो तीन और चार। तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, एक और दो, कारागार और संरक्षण गृह। ये संपूर्ण संस्था के अंतर्गत आते हैं। संपूर्ण संस्था की अवधारणा गॉफमैन द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ है व्यक्ति में सुधार, सीखा हुआ व्यवहार, प्रयोगशाला में सूक्ष्म प्राणियों का विकास, सुंदर गुणों का निर्माण। तो इसका आंसर है सीखा हुआ व्यवहार। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का अर्थ संस्कृति को सीखे हुआ व्यवहार माना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? पवित्र एवं अपवित्र, दुर्खीम, संदर्भ समूह मर्टन, शुद्धता एवं अशुद्धता ड्यूमा, प्रभुत्व जाति घुरिये। तो इसका आंसर है प्रभुत्व जाति घुरिये, ये रॉन्ग है, ऑप्शन फोर। प्रभुत्व जाति की अवधारणा एन श्रीनिवास ने दी है, एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। पवित्र एवं अपवित्र ये इमाइल दुर्खीम ने दिया है, इसको सेक्रेड एंड प्रोफेन के नाम से जानते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा मर्टन और हाइमन ने दी है। शुद्धता एवं अशुद्धता के बारे में अपने जाति के अध्ययन में लुईस ड्यूमा ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सामाजिक स्तरीकरण में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर प्रकारियों के आधार पर होता है? ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, प्रक्रियावादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत। तो इसका आंसर है प्रक्रियावादी सिद्धांत, ऑप्शन टू। प्रक्रियावादी सिद्धांत में व्यक्तियों का एकीकरण व्यक्ति के गुणों या पुरस्कार पर न होकर उसके प्रकारियों के आधार पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति अध्ययन में बेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को किसने अपनाया है? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, आंदे वेत्तई, एस सी दुबे, जी एस घुरिए। तो इसका आंसर है आंद्रे वेत्तई, ऑप्शन टू। आंद्रे वेत्ते ने अपने जाति के अध्ययन में मैक्स वेबर के स्त्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया है। कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने वाला कारक निम्न में से कौन सा है? कार्य एवं व्यवहार में अंतर करने में बुद्धि संगत, परंपरा, भावनाएं, अर्थ। तो इसका आंसर है भावनाएं, ऑप्शन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यवस्था के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भागों में भी परिवर्तन स्वतः होने लगता है तथा इन परिवर्तनों को सामाजिक संरचना अपने में शामिल करते हुए एक नई व्यवस्था को जन्म देती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर निम्न सिद्धांतों में से किस सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है? सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का नव विकासवादी सिद्धांत। तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत। जब एक व्यवस्था के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो दूसरे भाग में स्वतः परिवर्तन होने लगता है, यह संतुलन को दर्शा रहा है। जो सामाजिक संरचना में एक नई व्यवस्था को जन्म देती है तो यह सामाजिक परिवर्तन का संतुलन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सिद्धांत का परीक्षण करना हो तो शोधकर्ता निम्न में से किस विधि को अपनाएगा? समाविष्ट शोध, आगमनात्मक शोध, असमाविष्ट शोध, निगमनात्मक शोध, अन्वेषणात्मक शोध, सैद्धांतिक शोध। तो इसका आंसर है निगमनात्मक शोध, ऑप्शन टू। जब किसी सिद्धांत का परीक्षण करना है तो शोधकर्ता निगमनात्मक शोध को अपनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति निम्न में से किस प्रकार की है? पेट्रोल, पानी, मोम, स्टील। तो इसका आंसर है ऑप्शन टू, पानी। प्रक्रियावादी विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति पानी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम तौर पर शोध उपकल्पना निम्न में से किससे ली जाती है या बनाई जाती है? अनुभवजन्य तथ्य, शोधकर्ता की कल्पना, सैद्धांतिक प्रारूप, पिछले शोधों से। तो इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, सैद्धांतिक प्रारूप। आमतौर पर शोध उपकल्पना निम्न में से सैद्धांतिक प्रारूप से ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षेपण कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन है व्याख्यात्मक, अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक, मूल्यांकनात्मक। तो इसका आंसर है अन्वेषणात्मक शोध, ऑप्शन टू। एक शोधकर्ता को किसी महानगर की गंदी बस्ती में बाल अपराध के कारण समझने में दिलचस्पी है। उस बस्ती में अंतराक्षेपण
उस बस्ती में अंतराक्षेपण यानी शोध कार्यक्रम के समय कार्यक्रम के उद्देश्यों के लिए उसे किस प्रकार के शोध डिजाइन पर विचार करना है, तो इसका आंसर है अन्वेषणात्मक शोध डिजाइन पर उसे विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत मान्यों के कुल योग के विचलन का औसत सदैव निम्न में से क्या होगा? सकारात्मक, नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक, जीरो। तो इसका आंसर है जीरो, ऑप्शन फोर। व्यक्तिगत मानों के कुल योग के विचलन का औसत हमेशा जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचपन से मनुष्य के समाजीकरण की एजेंसी को क्रमानुसार लिखें। ऑप्शन है समकक्ष समूह, स्कूल, परिवार, धर्म। धर्म, परिवार, समकक्ष समूह, स्कूल। परिवार, धर्म, स्कूल, समकक्ष समूह। परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह, धर्म। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन फोर। बचपन से एक व्यक्ति, सबसे पहले उसका समाजीकरण परिवार में होता है, फिर स्कूल के माध्यम से होता है, फिर समकक्ष समूह के अंतर्गत होता है, फिर उसका समाजीकरण धर्म के माध्यम से होता है। तो परिवार, स्कूल, समकक्ष समूह, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों के स्त्रीकरण के सैद्धांतिक अध्ययन को कालक्रम के अनुसार बताइए। मैक्स वेबर, मार्क्स, आयरलैंड, मिल्स। मार्क्स, सी डब्ल्यू मिल्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सी डब्ल्यू मिल्स, रॉबर्ट लिंड। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट लिंड, सी डब्ल्यू मिल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन फोर। सबसे पहले कार्ल मार्क्स, उनके बाद मैक्स वेबर, फिर रॉबर्ट लिंड, फिर सी डब्ल्यू मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समाज के विकास के तीन चरणों का विश्लेषण किया है? ईश्वर परक, अभौतिक तथा वैज्ञानिक। इसको धार्मिक, ईश्वर परक को धार्मिक अभौतिक को तात्विक वैज्ञानिक को प्रत्यक्षवाद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, एल टी हाब हाउस। तो इसका आंसर है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन थ्री। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज के विकास के तीन चरण ईश्वर परक, अभौतिक तथा वैज्ञानिक या धार्मिक तात्विक प्रत्यक्षवाद के बारे में बताया है, विश्लेषण किया है ऑगस्ट कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्त नहीं है, तो ये रॉन्ग होगा। जनसंख्या के विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्त नहीं है, ये भी रॉन्ग है। सामाजिक समूहों को राजनैतिक शक्ति सामान्य रूप से प्राप्त नहीं, ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन टू, जनसंख्या के विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है, ऑप्शन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है? वह पद स्थिति का व्यवहारिक पक्ष है, एक व्यक्ति का एक से अधिक भूमिका निभा एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है,
वह एक भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है। पद स्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3। वह एक भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।